welcome back to my channel helping hands i hope you all are doing well you so all are fine and today i am going to share with you a video which is little different and hopefully it will help you a lot again it's a review video of window blind and i have been using it for a long time so today i will share my experience with you all about this product so be with me till the end आप में से बहुत सारे जन को इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम है बट सब जन को पता नहीं होता है क्योंकि मैंने जब भी मेरा फर्स्ट रोन परचेस की थी मुंबई में मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद ही मुझे मिले थे सब जगह में अवेलेबल नहीं होता था बट नाउ दिस डेज इट्स अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस तो मैं बेसिकली बता देती हूँ ये जो विंडो ब्लाइंड है इसको बैम्बू चिक विंडो कर्टन भी बोलते हैं कोई कोई इसको रोलर आप विंडो ब्लाइंड भी बोलते हैं सो so, इस विंडो के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू कि इस विंडो ब्लाइंड को आप कहाँ और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो इसको कैसे आप इंस्टॉल करोगे सो so, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट टाइप के विंडो ब्लाइंड होता है आप इस विंडो को एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों डिज़ाइन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्सटीरियर मीन्स uh, आप इसको बालकनी या तो आउटडोर में आप इसको यूज़ कर सकते हो uh, ये जो चिक विंडो कर्टन होता है ये आपके घर को सन देन ड्रेन विंड डस्ट हेल्थ से प्रोटेक्ट करता है और आपके घर को एक सुंदर सा लुक भी देता है और आप चाहो तो इसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी आप इन, इसको इंक्लूड कर सकते हो लाइक आपको डोर विंडो किचन विंडो होम फर्निशिंग आपके ऑफिस के डि, डि, डिज़ाइनिंग करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत सारे डिफ़रेंट टाइप में डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है सो so आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो आप इंस्टॉल कर सकते हो होम फर्निशिंग के लिए

ऑफ़िस के डिज़ाइनिंग uh, के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए uh, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आपको मिलता है यू कैन सी ये सारे जो अप्लाइंस हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है uh, घर के लिए भी ऑफिस के लिए भी कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो मेरे घर में जो भी विंडो ब्लाइंस हैं सारे ही बैम्बू रोलर अप विंडो ब्लाइंस हैं ये वाला जो है जेब्रा पैटर्न में है ये भी रोलर बैम्बू विंडो ब्लाइंड्स एंड दिस वन इज़ आल्सो रोलर अप बैम्बू विंडो ब्लाइंड्स बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इसमें एकदम ब्लैकआउट तो बिल्कुल नहीं होता है आप देख सकते हो एंड बोथ आर लुक वेरी ब्यूटिफुल बहुत ही अच्छा दिखता है मेरे घर में टोटल चार रोलर ऑफ बैम्बू विंडो ब्लाइंड्स है जो चारों को ही मैंने एक्सटीरियर में आई मीन मेरे बालकनी में मैंने इंस्टॉल किया है आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों जो बैम्बू विंडो ब्लाइंड्स हैं ये चारों ही वाटर रेजिस्टेंट हैं सो आप मानसून के टाइम में बारिश के टाइम में कितना भी ये भीग जाए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है मेरे सेकंड वाले बालकनी में जो मैंने इंस्टॉल किया है दूसरा वाला उसको ऑलमोस्ट मैं एट ईयर से यूज़ कर रही हूँ बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा है उसका और इसका जो मैंटेनेंस भी है वो भी बहुत लो कॉस्ट है बहुत लो मटेनेंस है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट ब्लॉक्स द एक्सेसिव हीट एंड सन लाइट फ्राम आउटसाइड टू एंटर द हाउस एंड दैट कीप योर इंटेरियर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द समर इवेंट जैसे कि आप सबको मालूम है कि बैम्बू जो होता है एक नेचुरल मटेरियल होता है जिसमें एक क्षमता रहता है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करे सो so इसीलिए ये जो बैम्बू uh, जो कर्टन होता है ये बाहर का जो एक्सेसिव हीट और सन लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है प्रोटेक्ट करता है और आपके जो रूम को काफ़ी कूल cool रखता है नेक्स्ट हेयर यू कैन सी ये जो वूडन विंडो ब्लाइंड है ये आपके इंटेरियर पार्ट को आपके रूम को कम्प्लीटली ब्लैकआउट नहीं करता है जो कि आप देख रहे हो बाहर की चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिखता है बिकॉज इट अलाउज अनाफ लाइट टू कम इन साइड एंड कीप य इंटेरियर पार्ट एंड रूम क्वाइट ब्राइट सो बेसिकली इट गिवस यू एक्स्ट्रा प्राइवेसी विदाउट हंड्रेड परसेंट ब्लॉकिंग द लाइट्स मीन्स आपका जो लाइट है वो कम्प्लीटली ब्लॉक ब्लॉक नहीं करता है ब्लैकआउट नहीं होता है बट आपको एक प्राइवेसी देता है और आपका जो बालकनी या बारंडा है उसको एक सेमी इंडोर स्पेस में कन्वर्ट करता है एंड नेक्स्ट ये जो बैम्बू रोलर अब और विंडो ब्लाइंड है ये डस्ट को भी प्रिवेंट करता है बाहर के जो डस्ट है वो उतना अंदर नहीं आने देता है बहुत क्लीन uh, भी रहता है आपका जो वरंदा और बालकनी एरिया और अब पीजन वगैरह जो भी uh, अंदर आ जाते हैं बर्ड्स वगैरह उसको भी प्रिवेंट करते हैं वो भी आने नहीं आ पाते हैं अंदर तो आपका जो इंटीरियर जो स्पेस होता है वो काफ़ी क्लीन रहता है और यही वाला जो बैम्बू ब्लाइंड के बारे में मैं बता रही थी विंडो ब्लाइंड और यही मैंने सबसे पहले परचेज़ किया था ये मैं एट ईयर से मैं इसको ज कर रही हूँ इसका पैटर्न जो है ज़बरा पैटर्न है आप देख सकते हो और आ, कुछ भी नहीं हुआ है यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट ओनली इसमें वन ड्रॉबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एट द एंड इसका जो प्रॉब्लम है बट इसमें जो एक्चुअल जो विंडो ब्लाइंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन सी इट्स एज इट इज़ जैसे मैंने परचेस किया था तभी थोड़ा सा ये आ, मतलब थोड़ा सा इसका महंगा था जब भी मैंने लिया था बट अभी इसका जो रेट है बहुत ही रिजनेबल हो गया है And here you can see the naturally stylish, elegant PVC bamboo window blind just giving a natural touch to the exterior design of your house. Which looks so amazing. I just love this product. Next, move on to installation parts So, installation का जो process hai बहुत tough नहीं hai यहाँ pe हमारा ऊपर का sheet दिया हुआ hai तो उसका जो grill hai उसके help से हमने इसको install किया hai और यहाँ pe आप देख सकते हो iron का जो wire hai उसको हमने use किया hai यहाँ pe तो इसको आ, अंदर से आपको वो वायर को आपको इंसर्ट करना है आयरन वाला और वहाँ पे ट्विस्ट करके देना है इवन यू कैन यूज टित ग्रीफ नाइलॉन सेल्फ लॉकिंग केबल टाइर्स जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग जिप फेयर टाई होता है सो यू कैन यूज़ दैट आई एम शोइंग यू ईवन हमने भी यूज़ किया है इस टाइप का टाइज यू कैन सी हमारे जो दूसरे बालकनी में है तो उसमें हमने यहाँ पर आयरन वाला जो वेयर है वो हमने नहीं यूज़ किया है इस टाइप का जो टाइज आता है केबल टाइज सो so हमने यही यूज़ किया है हेवी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग जिप फेयर जो टाई आता है वो बहुत ही अच्छा है और एल्स आप आयरन वेयर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे हमने आयरन वेयर यूज़ किया है सो so आपका जो ब्लाइंड का विंडो ब्लाइंड का जो लेंथ रहेगा उसके हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है थ्री फोर उतना आप ट्राई कर सकते हो और अगर आपके पास ऐसे रेलिंग और ग्रिल नहीं है तो भी आई डोंट वरी बैम्बू ब्लाइंड्स कम विद अ सिंपल फिटिंग इंस्ट्रक्शन सो एनी वन कैन फॉलो दैट जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा वही आप फॉलो कीजिए

And specially this item for external use only. It's protect against sun and rain. So it's a heavy duty mechanism. So very good product. And 100% monsoon protection. You can go for it without any hesitation. Next move on to operating part. How to operate these blinds? So you can see I'm showing you. There are actually two uh, strings are given. One is at the left side, you can see another is at the right side, and they will come together. Here you can see these are the strings. So for the rolling of the blinds, pull the strings or handle and move towards left and it will roll up. And here you can see it is rolling up. And when this blind is reached to the required height, then move the string or handle to the right side and release to लॉक ये देखिए मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ लेफ्ट साइड में ऐसे आपको खींचना है और ये जैसे आप लेफ्ट साइड में खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रो अप होता जाएगा ये देखिए और अगर आपको लेफ्ट साइड में फिर से खींचेंगे तो ये रोल डाउन भी हो जाएगा और इसको लॉक करने के लिए आपको राइट साइड में ऐसे आपको खींचना है बस ये लॉक हो गया सो दैट्स ऑल सो बैम्बू रोलर अप विंडो ब्लाइंड का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर किया है बहुत ही अच्छा क्वालिटी है एंड दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर ऑल सीजन लाइक समर विंटर रेनी यू कैन यूज़ ऑल द टाइम कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है बहुत ही ड्यूरेबल आइटम है और इस वीडियो को अगर थोड़ा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल लव यू गैस बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ